कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों को देखें। मध्य प्रदेश की अपडेट की आप बोल रहे कमांड सर रोल सर मध्य प्रदेश के अपडेट की बैठक और गलत हो मध्य प्रदेश वासी की जो हम की अध्यक्षता जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसा आप सबको विदित है कि शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी है। 2010 से मध्य प्रदेश के अंदर आज तक कोई नई दुकान नहीं खोली गई, उल्टी बंद ही की गई। आपके ध्यान में आया होगा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी मध्य प्रदेश में 64 दुकानें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंद की गई थी। इस वर्ष की भी मदरा नीति जो आबकारी नीति आई है मदरा के सेवन को हतोत्साहित करने वाली ही आई है। अब प्रदेश में जितने भी आहाते हैं सभी आहातों को बंद किया जा रहा है। कोई आहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे शॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। आहाते भी बंद किए जा रहे हैं शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों में केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी प्रदेश में बंद हो जाएगी। अभिप्राय मेरा यह है कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसी तरह से सभी हमारे जो धार्मिक संस्था गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं अभी तक एक दो का ही मार्ग था अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल की गई है। वाहन चलाने वाले जो शराब पी के वाहन चलाने वाले थे उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रावधान और कड़े करने का भी आज तय किया है। शराब के नशे में खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों की सजा में बढ़ाने पर भी इसमें विचार किया गया है। इसी तरह से आज जो अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उसमें आरबीसी 6-4 के जो मापदंड हैं उनमें भी संशोधन किया है। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस के समय में ऊंट के मुंह में जीरा की तरह किसानों को राहत दी जाती थी या वो दिया जाता था। हम लगातार आरबीसी 6-4 में संशोधन करके प्राकृतिक आपदा और दूसरी चीजों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे अगर कहीं पर बाढ़ आ जाती है भूस्खलन हो जाता है तो 37,500 भूस्खलन में था हमारा उसको बढ़ा के 47,000 कर दिया। हमारे प्राकृतिक आपदा में दुधारू पशु भैंस गाय इस तरह के ऊंट ये जो नहीं रहते थे 30,000 से बढ़ा के इसे 37,500 रुपए किया गया है। यहां तक कि भेड़ बकरी की हानि भी अब 3,000 से बढ़ा के 4,000 कर दी है। गैर दुधारू पशु बैल भैंस भैंसा ऊंट घोड़ा इसकी भी हानि दुगनी कर दी है 16,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी है। बछड़ा गधा पौनी खच्चर इसकी हानि भी हमने
बढ़ाई है इसमें। प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित पशुओं को अस्थायी शिविर में जो रखे जाने का था उसकी राहत राशि भी 70 रुपए दिवस से बढ़ाकर 80 रुपए दिवस की है। छोटे पशु को 35 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया। यहां तक कि मुर्गी पालन जो मुर्गी रहती थी उनको भी 60 से बढ़ाकर 100 इस आरबीसी 64 के अंदर किया गया है। मकान वगैरह जो झुग्गी झोपड़ी हमारी थी वो झुग्गी झोपड़ी को 6000 से बढ़ाकर 8000, इसके अंदर जो पशु रहने वाले रहते थे उन्हें 2100 से बढ़ाकर 3000। शारीरिक हानि अगर हो जाती थी तो उसमें पहले 59000 था उसे 74000 किया गया है। गंभीर जो हमारे बुनकर शिल्पी है उनको भी इसमें दिया है, नाव को दिया है, मछली तक के लिए इसमें राशि को बढ़ाया गया है। वो बड़ी राहत आज आरबीसी 64 के माध्यम से इसमें दी गई है। ग्वालियर के अंदर हमारी जो नवीन तहसील है वो अब ग्वालियर के अंदर मुख्यमंत्री जी परसों घोषणा करके आए थे, उस नवीन तहसील के सृजन को अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इस तहसील में 36 पटवारी हलके शामिल होंगे। नई प्रस्तावित तहसील का मुख्यालय ग्वालियर होगा और इसके इसमें ग्वालियर लश्कर तहसील मुरार और तहसील सिटी सेंटर की सीमाएं थोड़ी परिवर्तित होंगी। 8 पदों का सृजन भी इसके लिए किया गया है। कार्यालय गठन पर 60 लाख रुपए का आवर्ती व्यय और 644.14 रुपए का अनावर्ती व्यय भी होगा, उसको भी आज सहमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। हमारे सतना में जो मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज के लिए आज 150 एमबीबीएस की सीटों वाले महाविद्यालय के लिए 750 विस्तरी चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है। उसके संचालन के हेतु 1092 नियमित और 497 संविदा के पदों, कुल 1589 के पदों के सृजन का प्रस्ताव आज कैबिनेट के द्वारा दिया गया है, पास किया गया है। इन पदों पर सृजन पर ₹72.88 करोड़ एवं 497 संविदा पदों पर 6.19 करोड़ का अनुमानित व्यय को भी आज स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा की गई है। पदों की पूर्ति चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। हमने कई नियम नगरपालिका नगरी प्रशासन विभाग ने आज हटाए हैं जिनमें जिनका उपयोग नहीं हुआ था और सजा के जिनमें प्रावधान थे। धारा 290, 360, 362 को विलोपित करने का और 195 संशोधन कर उसे जुर्माने तक करने का प्रस्ताव आज यहां पर कैबिनेट के द्वारा किया गया है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 288, 290 को विलोपित करना और 208 में संशोधन कर जुर्माने तक सीमित करने का भी आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय किया गया है। एक अन्य निर्णय में नगरी प्रशासन विभाग द्वारा जो प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया गया था कि जो हमारी शासकीय भूमि, नजूल भूमि और स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के निवासरत गरीबों के आवासीय पट्टे का प्रावधान था उसे अब 31/12/14 के स्थान पर 31/12/2020 किए जाने का प्रस्ताव था जिसे कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी है। गरीबों के आवासीय पट्टे देने की पात्रता तिथि 31/12/2000 निर्धारित जो थी अब उसको 20 तक करने का कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है। क्षतिग्रस्त मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए आज 4160 करोड़ को बैंक ऑफ सैंक्शन से मुक्त रखे जाने का प्रस्ताव आया था जिसमें हमारी जो सड़कें हैं 4738 किलोमीटर की सड़कों जो आवश्यक थी उनके लिए 4160 रुपए के अनुमानित व्यय को भी आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई। आज कुछ जमीनें जो हमारी हैं उनको भी विभाग के द्वारा सेल जो की गई है भूमि परिसंपत्ति विभाग के द्वारा, उसमें ये चंबल कॉलोनी है शोपुर की, च
चंबल कॉलोनी श्योपुर, भोपाल के अंदर है, डीबी मॉल के सामने प्लॉट, डबरा के अंदर बस स्टैंड के शेष भाग की भूमि, पन्ना की डिपो पर संपत्ति, जबलपुर की चाटी ग्राम चाटी की भूमि, कटनी की ग्राम चाका की भूमि, ग्राम तिल माफी जिला सागर और जिला इंदौर के अंदर भी निपानिया सर्वे क्रमांक 153, बिचौली खदरा 186 जिला इंदौर का वार्ड क्रमांक 76 और गायत्री नगर कटनी, इन संपत्तियों की अनुमति आज अलग अलग राशि में आई है। 100% राशि जमा करने के बाद में इनको दिए जाने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है।